हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग जा रहे हैं सोनगिरी ट्रैक पे, और अभी यहाँ पे हम लोग पलसदरी पे उतरे। हम लोग ने आई थिंक सेकंड या थर्ड ट्रेन पकड़ा, लेकिन आप लोग फर्स्ट ट्रेन पकड़ोगे तो और जल्दी आ सकते हो, बट सनराइज तो नहीं मिलेगा। बट हाँ, आप लोग आ सकते हो जल्दी अगर करना है। ओके, सो यहाँ पे दो पटरी है, ये साइड और उस तरफ भी है, तो हम लोग को उस तरफ से लेफ्ट की तरफ से ऊपर जाना है, और राइट में है वहाँ पे पलसदरी वाटरफॉल है, तो वहाँ पे भी आप एक दिन में एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी हम लोग वो ट्रैक पे थे, फिर इधर से हम लोग यहाँ से दूसरी तरफ जा रहे हैं। इन शॉर्ट, आपको ऐसा डाउट आएगा कि घूम गए हैं या कुछ, तो आपको टनल तक मेन पहुंचना है। टनल आ गया मतलब आप सही रास्ते पे हो। ओके, तो यहाँ पे 122 है, 104 122, एंड पीछे आई थिंक 124 है, उसके बीच में है। यहाँ पे ये रास्ता दिख रहा है, यहाँ से अभी अंदर जा रहे हैं हम लोग, वहाँ से आए। ठीक है, आगे यहाँ पे टनल है, यहाँ पे आप पूछ सकते हो, वहाँ पे रहते हैं रेलवे के कुछ ना कुछ एम्प्लॉयज रहते हैं, उनको पूछ सकते हो आप हेल्प के लिए, तो वो लोग बता देंगे रास्ता। तो यहाँ से अभी हम लोग आगे जाएंगे। ओके, थोड़ा मतलब आप लोग वहाँ से अंदर है, वो पटरी है, हम लोग वहाँ से आए और राइट की तरफ से अंदर। एक छोटा एरो रहेगा पत्थर पे, वो ध्यान देना पीछे, और इधर यहाँ पे एक बोर्ड है, यहाँ से यहाँ पे हेल्प का भी नंबर है, तो हेल्प लगा तो आप इस पे कॉल कर सकते हो। ऐसे आगे आओगे तो और एक बोर्ड है, यहाँ से लेफ्ट की तरफ ऊपर जाना है। ये ट्रैक वाले लोग का ग्रुप, अरे लोकल लोगों का रूट। तो वहाँ से नीचे से आए इधर, हाँ यहाँ पे ऐसे मार्किंग्स है, आप नीचे भी रास्ते में मिलेंगे। ओके, सो ऐसे छोटे प्लांट्स पे फ्लैग मार्किंग्स है रास्ते में, तो आपको बार बार दिखते जाएगा। अभी यहाँ से ये पत्थर के इधर से हम लोग इधर ऊपर जाएंगे। अरे शूज का सीन है, खींचना पड़ेगा, देखो खींच तो लूंगा ऊपर। हाँ ऊपर, अभी लेफ्ट रखा था, हाँ उधर, हाँ अभी हाथ से खींच ऊपर, हाँ बस ले राइट पे थोड़ा ऊपर, डन। ये
ले निकाल बाहर, और ये पूरा पटरी वगैरह यहाँ से हम लोग पहुँच जाएंगे। इधर हम लोग छाव है इसलिए रेस्ट ले रहे, वहाँ से हम लोग पीछे की तरफ से आए। ओके, हम लोग को यहाँ पे आम का पेड़ मिला, अबे संतरा दिख रहा है नीचे और संतरा भी मिला, फोटो है हमारे। ओके, हम लोग को यहाँ पे आम का पेड़ मिला और यहाँ पे संतरा भी मिला, तो अभी हम लोग खा रहे और अभी यहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे। क्या हम लोग पीछे से आ जाए, व्यू देखो यहाँ पे। और ये थोड़ा स्टीप है, ऐसा तो छोटा ट्रैक है लेकिन इजी नहीं है, थोड़ा एंड्योरेंस हाई लगता है। और हम लोग धूप में भी थोड़ा चढ़ रहे हैं इसलिए नाइट ट्रैक के लिए तो अच्छा है, मतलब इतना नहीं, बट सुबह पहला ट्रेन सेकंड ट्रेन पकड़ोगे तो थोड़ा धूप लगेगा। क्या अभी हम लोग वहाँ से नीचे से आए, यहाँ पे भी देख रहे हो वैसे यहाँ पे बोर्ड है, यहाँ से अभी हम लोग ऊपर जाएंगे। अभी हम लोग ऊपर से वहाँ से आए, नीचे से मतलब वहाँ से आए, तो वहाँ पे आके यहाँ पे एक टाकी है पर पीने जैसा पानी नहीं है, तो यहाँ पे पानी नहीं मिलेगा आपको, तो आपको कैरी करना है मिनिमम 2 लीटर्स, 3 लीटर भी कर सकते हो अगर प्यास ज़्यादा लग रही है धूप के वजह से, आपको पता है डिहाइड्रेट होने वाला है बॉडी, तो लेके आओ। और फ्रूट वगैरह लाओ। ऐसे तो छोटा है बट स्टीप बहुत है, तो थोड़ा टायरिंग है, एंडोरेंस लेवल थोड़ा अच्छा चाहिए, है छोटा बट जैसे मैंने बोला स्टीप होने की वजह से थोड़ा ज़्यादा टायरिंग है, इसलिए पानी और फ्रूट या ऐसा कुछ लाना नेसेसरी है यहाँ। ओके, तो अभी मैं अब यहाँ पे ज़्यादा ऐसा एक्सप्लोर करने नहीं है, मतलब ये प्रॉपर किला नहीं है ऐसा, तो ये वॉच टावर है, तो अभी आपको मैं जस्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ व्यू कैसा दिखता है। अभी वहाँ पे ऊपर जाके मैं वापस शूट करता हूँ। ओके, सो अभी हम लोग आ गए टॉप पे, मेन स्पॉट। ये बारिश का सीज़न है इसलिए ज़्यादा कॉर्नर में मैं नहीं जा रहा हूँ, वहाँ पे ऐसे तो जा सकता हूँ लेकिन कॉर्नर पे रिस्क नहीं लेना है। क्या बोल रहा था, कुछ बोल रहा था। तो देख मैं इस पे दिखाता हूँ फोटो में, मैप पे।